अस्सलाम वालेकुम माय डियर ग्रेट सिक्स, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर अनम एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ वीडियो लेक्चर। एंड इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द नाइट द गोस्ट गॉडन। इट्स योर कोर्स बुक, इट्स चैप्टर नंबर 2। सो ओपन योर कोर्स बुक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स रीडिंग। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सो बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लीज रीड आउट दिस स्टोरी एट योर होम्स। दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू। आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द स्टोरी। स्टोरी में हुआ क्या है, क्या हैपनिंग हुई है, कि ये सारी स्टोरी में ये शोर मचा हुआ है कि शायद घर में कोई गोस्ट हो गया है, जो कि क्योंकि इस घर में इन्होंने जो राइटर है उसने आवाज़ सुनी और सबको बताया कि घर में जो डाइनिंग टेबल है उसके इर्द गिर्द कोई घूम रहा है, कोई चक्कर लगा रहा है जिसकी आवाज़ें आ रही हैं। इस तरह से स्टोरी का स्टार्ट हुआ है। और घर में एक ग्रैंडफादर रहते हैं जो कि ऊपर वाले कमरे में रहते हैं, एक वॉलनट के बेड के ऊपर वो सोते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा शोर भी होता है, ठीक है। एक मदर है और एक रॉय है, जो बॉय है वो आउट ऑफ सिटी है, पढ़ाई के सिलसिले में शायद गया हुआ है बाहर, और एक हरमन है। हरमन और राइटर जो है वो स्टोरी में है मौजूद हैं, और उनकी मदर और एक ग्रैंडफादर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टोरी का स्टार्ट हो चुका हुआ है, और स्टोरी का स्टार्ट इस वजह से हुआ है कि घर में रात के टाइम आधे पहर में इन्होंने आवाज़ सुनी है किसी चीज़ की, या तो वो कोई आदमी है या वो समझ रहे हैं घर में घोस्ट है। और वो आहिस्ता से जो है राइटर है वो हरमन को जगाता है कि वो उसके साथ चले और नीचे जाके वो देखे कि ये किसकी शोर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये ऊपर वाले पोर्शन में है और ये ऐसा सा जा रहे हैं। लेकिन इनकी मदर जो है वो जाग जाती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। जब ये पूछ रही होती हैं तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा शोर की आवाज़ ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है, और ये समझते हैं कि ऊपर की तरफ कोई आ रहा है, तो ये अपने डोर को जल्दी से शट ऑफ कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो इनकी मदर है वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करती हैं और इसका हाल सोचती हैं, और कहती हैं कि जल्दी से फ़ोन कॉल करते हैं, चूँकि फ़ोन जो है फ़ोन सेट जो है वो नीचे वाले पोर्शन में है। तो वो करती क्या है, जो उनकी बालकनी में छोटा सा एरिया है वो अपनी रूम में जाके अपनी विंडो से दूसरों के घर की विंडो की तरफ ऐसा हेल्प जो है अपनी जो शू है उसको थ्रो करती हैं। ये इंसिडेंट बिट फनी भी राइटर ने बताया है, लेकिन वो इसको करती हैं, और जिसकी वजह से जो नेक्स्ट करेक्टर है बॉडवेल, जो के कुछ थोड़ा सा मतलब रूड नेचर का है, वो कहता है कि आपको क्या हुआ है, ये सारा स्टोरी में चल रहा है। वो बताती है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो पुलिस को कॉल कर दें, ठीक है। और हरमन जो होता है उसको नेक्स्ट जो शू है उसको थ्रो करने से रोकता है कि वो नहीं करें, क्योंकि मदर उनकी नेक्स्ट चप्पल भी उनकी विंडो की तरफ मारने की कोशिश कर रही होती है। फिर होता क्या है कि पुलिस जो है वो आ जाती है और दरवाज़ा नॉक कर रही होती है, लेकिन जो है सब लोग ऊपर वाले पोर्शन में है, तो वो दरवाज़ा फिर तोड़ के उनको अंदर आना पड़ता है। वो सारे एरिया में ढूंढ लेते हैं लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अचानक से जब वो सारे साइन कहते हैं कि कोई भी साइन नहीं है, घर में कोई भी नहीं मतलब फील हो रहा, तो फिर एक वॉलनट के बेड पे जो ग्रैंडफादर थे उनका करेक्टर खुल के सामने आता है इस पेज में, तो उनको आवाज़ आती है। वो सारे चूँकि ऊपर की तरफ भागते हैं घर, इससे पहले कि घर वाले उनको कुछ बताते कि वो यहाँ पे जो है उनके ग्रैंडफादर भी हैं रहते हैं, लेकिन जो एक्टिक वाला एरिया वहाँ पे इन्होंने सर्च नहीं था किया हुआ इससे पहले कि जो पुलिस वाले हैं वो कोई एक्शन शो करते। ग्रैंडफादर ने पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी बुरी तरह से रिएक्ट किया है, मतलब इवन के शूट भी किया है, कितने शूट मिस हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मोक फील्ड हो गया है, काफ़ी रिएक्ट इन्होंने किया है। तो जो है कॉप जो है ऑफिसर्स हैं वो उसको डिजर्टर्स समझ रहे थे, मतलब वो वाले वो लोग समझ रहे थे जो विदाउट परमिशन जो है आर्मी की जॉब को छोड़ देते हैं। इनके ग्रैंडफादर सबको ये समझ रहे थे, और इसीलिए ग्रैंडफादर ने इस तरह का रिएक्ट किया था उनके उसके ऊपर, इवन के उसके हैंड के ऊपर भी शूट किया था। एनी हो, सब लोग नीचे आ जाते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो पुलिस ऑफिसर था वो कह रहा है हो क्या रहा है घर में कौन है, तो वो जो राइटर होता है शायद कहता है कि शायद भूत था जिसकी आवाज़ थी वो। एनी हो, ये हमारे ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने मतलब इस तरह का रिएक्ट इसलिए किया कि वो आप लोगों को डिजर्टर समझ रहे थे। इस तरह स्टोरी का एंड होता है। तो क्लास, आपने इसको स्टोरी को रीड आउट करना है वर्ड टू वर्ड। ऑल राइट, दिस इज़ योर होमवर्क। Now class, open your English A copies. We will do it
some copy work too. Okay class, this is how you have to prepare your copies. In your NEET copies, you have to write the words meaning and also learn it. First one word is hilarious, funny, hectic, loft, slammed, shut with force, peered out, peeped out, gruffly, roughly, flung up, opened quickly, farting, angry, thumb, a heavy blow, wispy, thin, curse, wish evil against anyone. This is your words meaning. These are words and these are meanings. Okay class, these are some words for your sentences. The first word is policeman, second is grandfather, third is window, fourth is officer, fifth one is machine. You have to make sentences in your NEET copies as well and also learn it. This is all your homework. First homework is reading, second is words meaning, and third homework is your word sentences. You have to prepare your copies as well. Alright, Allah Hafiz.